अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। और एज़ यूजुअल मैं हूँ और मेरा काम है, तो मैंने सोचा कि अपने काम के साथ साथ आप लोगों से भी अपनी जो बातें हैं वो शेयर करती रहूँ। जी जनाब, तो कैसे हैं आप सब? कैसा गुजरा आपका कल का दिन? और आज तो संडे है तो ज़्यादातर लोग तो सो रहे होंगे, लेकिन 11 बज चुके हैं, हो सकता है कुछ लोग जाग भी रहे हों, कुछ लोग अपने काम भी कर रहे हों। जैसे मेरा आज ऑन है तो माइट भी बहुत से और ऑफिसेज भी हों जो संडे को ओपन होते हैं। तो जी, अपनी डेली रूटीन के साथ मैं हूँ आपके साथ। अच्छा, मुझे बताएं कि आप में से जो रेडियो प्रोग्राम है वो कौन कौन सुनता था या सुनता है? मतलब एक वक्त था ना जिसमें बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड था रेडियो प्रोग्राम सुनने का, बहुत से अच्छे जो है वो अवेलेबल थे, जो क्या कहते हैं उन्हें, एंकर्स या डीजे बोलते हैं शायद, नहीं डीजे तो नहीं होते, हाँ डीजे ही होते हैं। और कौन किसका जो है वो फेवरेट था? मेरा तो एक वक्त में छोटी होती थी मैं, लेकिन उस वक्त में जब ये सुने जाता था रेडियो तो हैदर, हैदर पता नहीं क्या नाम था उस बंदे का पूरा, उसका एक शो आता था जो लोग बहुत शौक से मैंने देखा था, सुना करते थे। इवन मेरे घर में उसका वो शो जो है वो सुना जाता था। वैसे तो वो आधी रात को शो उसका आता था, यानी कि ऑन ईयर जो है वो रात के 10-12 बजे के बाद का कहीं वो वक्त होता था। बोलने का अंदाज बहुत अच्छा था उसका, और शायद इसी वजह से उसका जो ये शो था ये बहुत फेमस हुआ। पता नहीं सुन रही हो या ऐसा कुछ, एक उसका डायलॉग था जो बहुत फेमस हुआ। बस यही बात है ना कि आप जो आपके सामीन हैं उन या जो भी लिसनर्स हैं आपके, आप उनको कितना अपने साथ बांधे रखते हैं और किस तरह बांधे रखते हैं। तो वो भी मतलब एक ट्रिकी थी उनकी, और जिसमें वो बहुत कामयाब रहे। उनकी आवाज़ अल्लाह ने उनको अच्छी दी थी, फिर उन्हें उसको यूज़ करना आता था। जनाब, मैं करी हूँ अपना रोज़ाना का काम, और जैसे कि मैं आपको मतलब बता चुकी हूँ ये बात पहले ही कि मैं जो हूँ वो काम और बातें जो है वो एक साथ नहीं कर सकती। ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो क्योंकि फिर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं फिर किसी वक्त आपसे अपने काम को छोड़ के बातें करूँ। तो भी मेरे पास कोई ना कोई, मतलब जब मैं फारिग होती हूँ ना तब भी मेरे पास कोई ना कोई काम होता है। लोग फारिग होते हैं तो बिल्कुल फारिग होते हैं, लेकिन मैं अजीब सी फारिग हूँ जिसके पास फारिग वक्त में भी बहुत काम होते हैं, मैंने डिसाइड करके रखे होते हैं। ये मैं अपने फारिग वक्त में करूँगी, ये मैं अपने फारिग वक्त में करूँगी। तो जनाब, फारिग वक्त के भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं जिनमें मैं मसरूफ रहती हूँ। और तो जनाब, आज हम बात करेंगे सितारों पे। मेरा स्टार जो है वो कैंसर है, तो आप सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आपका क्या स्टार है और कौन कौन जो है वो स्टार्स पे बिलीव करता है। मतलब मैं तो छोटी थी तो मतलब अक्सर जिस तरह मिलने जुलने वाले आते थे और लोग बात करते थे स्टार्स की कि जी हमारा ये सितारा है, आपका क्या सितारा है, और फिर लोग उनको आपस में मिला रहे होते थे, उन पर बात कर रहे होते थे कि जी इस स्टार की ये खूबियाँ हैं या ये खामियाँ हैं, इस स्टार के लोगों की ये खूबियाँ हैं ये खामियाँ हैं। तो वो मुझे जो है ना बड़ा फ़नी मोमेंट लगा करता था कि मतलब ये क्या है। मतलब अब मैं उनको पढ़ती हूँ तो पढ़ के मुझे लगता है कि हाँ सिमिलरिटीज़ होती हैं, ठीक है, शायद इन्हीं सिमिलरिटीज़ की ही वजह से जो स्टार्स लिखने वाले हैं या उनकी जो भी डेली या किस्मत के मतलब जो भी स्टार्स का होता है उसको जो भी डिफाइन करते हैं लोग, वो इसी बेसिस पे कर पाते होंगे कि वो लोगों को डेफिनेटली उन्होंने स्टडी किया होता है, जज किया होता है कि हाँ इस जो स्टार के लोग हैं आया उनमें वाकई ऐसी ये चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं,
है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हम डिक्लेयर करने जा रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसकी उसके लिए हम प्रॉपर स्टडीज करते हैं जब भी हम कुछ कहने के काबिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हवा में आके कह देंगे कि वो बंदा ऐसा और वो बंदा ऐसा, या इस स्टार के लोग ऐसे होंगे या इस स्टार के लोग ऐसे होंगे। तो यकीनन जो लोग जानते हैं साइंस के बारे में वो पढ़ के ही आए हैं और उसी से ही अपने इंफॉर्मेशन से अपने नॉलेज से उन लोगों को महसूस करते हैं। अच्छा, मुझे तो खैर कभी भी किस्मत के जो सितारे हैं उन पे यकीन नहीं है कि जो हाथ की लकीरें हैं या जो सितारे हैं जो वो दिखा रही हैं या जो वो बता रही हैं उसकी कोई हकीकत भी होती है या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है जी। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। ये सिर्फ अल्लाह जानता है, ये सिर्फ अल्लाह का जो है ना बस है। किसी बंदे की ये औकात नहीं है कि वो ये जान सके। हाँ ये है कि लोग शायद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन देखिए ना, क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान की जो लाइफ है ये मुख्तलिफ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक साइन के जो लोग हैं उन सबकी किस्मत एक ही जैसी है। आप किस्मत लिखने वाले अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ वही जानते हैं कि उसने किसके नसीब में क्या लिख के भेजा है। वो जब चाहे नसीबों को बदल सकता है, वो जब चाहे दुनिया पलट सकता है। तो जनाब हाँ, फॉर द फन मतलब मैं भी पढ़ लेती हूँ कभी कभी कि मेरे सितारे में क्या लिखा हुआ है, मेरा सितारा आज क्या कह रहा है, लेकिन उस पर मैं उस तरह से यकीन नहीं कर पाती जिस तरह बहुत से लोग जो हैं वो अपने सितारों पे यकीन रखते हैं कि जी ये मेरा सितारा है और ये कह रहा है तो ये वाकई ऐसा होगा। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो बिल्कुल मतलब देख के चल रहे होते हैं कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। मतलब इतना भी यकीन क्या यार। चलो हम आ चुके हैं अपने वाउचर्स पर कि क्या क्या खरीदा गया और क्या नहीं खरीदा गया और कौन किसके जरिए से खरीदा गया। चलो कुछ लोग तो जो खरीदारी करके आते हैं उसको हंसी खुशी जो है शेयर कर लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो पता नहीं क्यों बुरा मनाते हैं जब उनसे हिसाब किताब पूछ लिया जाए। मतलब यार कोई मेरे पर्सनल वैसे तो है नहीं कि मैं किसी से पूछ रही हूँ तो कोई उसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, लेकिन तौर पे कंपनी के पैसे हैं तो मैंने लेके कंपनी के रिकॉर्ड में ही रखने को लेके भाग थोड़ी जाने कि उनसे लेके मैं खुद खा रही हूँ या मैं खुद लेके भाग रही हूँ। इससे शायद उनको फील होता है कि यार हमारी पॉकेट से निकाल के अपनी पॉकेट में डाल रही है, क्योंकि बहुत से लोग ये करते भी हैं। लेकिन जनाब जो लोग ये करते हैं पता नहीं कैसे भाग जाते हैं फिर वो। अच्छा, लोगों को डर नहीं लगता क्या कि मतलब मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी इंसल्ट होगी, या मतलब कुछ नहीं यार, मतलब कुछ भी। जनाब मुझे तो बहुत डर लगता है कि मैं समझती हूँ कि चंद पैसों के लिए अगर आप अपनी इज्जत का ख्याल नहीं कर रहे तो अपने पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल कर लें। उन्होंने इतनी मेहनत की, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको किसी मुकाम तक पहुँचाया, तो इसलिए तो नहीं कि आप जो है वो छोटी छोटी सी दो नंबरियाँ करके, छोटी या बड़ी मतलब जो भी है दो नंबरी करके तो आप उनका नाम डबो दें। लेकिन मैंने किसी को ऐसे भी देखा है कि जिस में उसके घर वालों ने उसका साथ दिया, मतलब वो ये सब करके
अपने घर वालों के लिए करती थी, भोपाल उसके किचन में अब ये सब जो करती है वो अपने घर वालों के लिए करती है। मतलब घर वालों के लिए क्या करती है? दो भाई थे उसके, बकौल उसके वो जो कमाती थी वो उसके भाइयों के लिए था। एक तो चले मान लेते हैं कि डिसेबल था वो, कुछ कदमे कराना जो नहीं था। दूसरा जो था चले ठीक है मान लेते हैं, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या, मतलब उसके हाथ पर भी टूटे हुए थे, वो मजदूरी नहीं कर सकता था कि अपनी बहन से दो नंबरियां करवा के तो वो अपना घर चलाता था। खैर इतनी सीधी तो वो भी नहीं थी कि हम कहें कि जी वो खुद बेचारी बहुत मासूम थी, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी और सिर्फ घर वालों के लिए ऐसा कर रही थी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब जिसको मतलब नजर आ रहा है कि यार मैं जो पैसे आसानी से कमा सकता हूँ उसके लिए मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, तो वो जाहिर फिर ऐसे ही करेगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब वो खुद भी फिर वही सब कुछ खाती हैं, उनके बच्चों को भी वो वही खिलाती हैं, तो फिर उनके बच्चों में मतलब उनके बच्चे क्या होंगे, मतलब कल को वो क्या किस तरह के शहरी होंगे उनके लिए? तो जैसा वो अपनी वालदा को करते हुए देखते हैं तो उनके लिए तो सब कुछ वही होगा ना, तो ये यार बस ठीक है, मेहनत वाली तो वो किसी तरफ जाएंगे ही नहीं ना, क्योंकि उन्हें पता है जनाब ये सबसे आसान तरीका है, हमारी माँ ने हमें सारी ज़िंदगी ऐसे ही खिलाया तो हमें ऐसा करने में क्या बुराई है। जरा वो जो खुद करती है ना वो फिर अपने बच्चों को भी वही सिखा रही होगी कि तुम लोग भी ऐसे ही करो, ये सबसे आसान तरीका है। चले कोई बात नहीं, मिलावट का ज़माना है, हर चीज़ में मिलावट होती है, तो रिश्तों में भी सही। बहुत से लोग जो हैं वो अपने रिश्तों के साथ बहुत सिंसियर होते हैं, माइट बी ये उसकी सिंसियरिटी का ही कोई एक तरीकाकार हो कि वो नहीं देख सकती होगी कि उसके घर वाले तकलीफ में रहें या उन्हें किसी चीज़ की कमी आए, या फिर उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को इतना बढ़ा लिया कि उसके लिए फिर मतलब उन्हें हर काम करके कमाना जायज़ लगता होगा। फिर उसके बच्चे उसके साथ क्या वफादार होंगे? अरे मतलब अगर ये कहा जाए कि जनाब हो सकता है उसकी पे कम हो या वो जो पे लेती हो उसमें उसकी जो फैमिली के जो मेंबर्स है गुजारा ना हो सकता हो तो उसने ये काम स्टार्ट किया होगा, तो मतलब जिसका खाना जो है वो डेली होटलिंग है तो उसको क्या प्रॉब्लम रही होगी? मतलब वो फिर तो मैं नहीं समझती कि उसे कोई प्रॉब्लम रही होगी। खाने आपने चिकन टिक्के हैं रोज़ाना और फिर आप ये कहते हैं कि नहीं जी मेरा जो है वो गुजारा नहीं होता, तो जनाब उन चिकन टिक्कों को थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए, चिकन टिक्कों की जगह आप एक दिन दाल खा लें, एक दिन सब्जी खा लें। ज़रूरी थोड़ी है कि आप रोज़ रात को बाहर जाके किसी होटल में कोई अच्छा सा मेन्यू ऑर्डर करके खाएँगे, तो जनाब ऐसे आप खुद भी शरीर होंगे और दूसरों को भी शरीर कराएँगे। मतलब खुद तो आप हो चुके ना, कराएंगे क्या, खुद तो आप हो चुके, तो अब चले जनाब कोई नहीं, सबकी अपनी जिंदगी, हर कोई अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है और कोई भी पसंद नहीं करता कि कोई किसी के काम में इंटरफेयर करे। मैंने कोई मुझे भी जो है मेरे किसी काम में आकर बोलेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा कि ये मुझे ऐसे क्यों कह रहा है। हर बंदे का अपना काम करने का तरीकाकार होता है, तो माइंड में इसका यही तरीकाकार हो खाने कमाने पकाने का। और चलिए जनाब आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और किस तरह का आप मेरे से ब्लॉग देखना चाहेंगे ज़रूर, अगर आपकी कोई सजेशन हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा।
आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।